गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा आज आपके सामने क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए क्लास दे रही हूँ, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको संख्या सिखा ली थी, इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपके सर्वनाम सिखाए थे और संज्ञा भी सिखाई थी, राइट। तो संज्ञा, सर्वनाम और संख्या आपने सीख ली है। अब इन तीनों के मिक्स मैं आज आपके लिए अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ, ओके। तो आपने जब संज्ञा, सर्वनाम और संख्या वाली क्लास ली होगी तो बच्चे आप समझे होंगे और सीखा होगा, आपने अपने घर में प्रैक्टिस भी की होगी, जो भी बुक आपके पास हेल्पिंग बुक होगी उनसे प्रैक्टिस की होगी। और मैं चाहती हूँ बच्चों कि आज मैं आपको मिक्स अभ्यास कार्य करवा कर एक बार और प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ इस अभ्यास कार्य को करिए और आपको जो प्रॉब्लम हो, जो डाउट्स उसके बाद भी बचते हो, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो चलिए हम अभ्यास कार्य करते हैं। आज मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा के संख्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। आज केवल हम अभ्यास कार्य को करेंगे, ओके। तो चलिए अब सबसे पहले हमारे पास ये देखिए मेरा टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, संख्या, वचन प्रयोग। ये सबके इनके संज्ञा के, सर्वनाम के और संख्या के वचन प्रयोग करवाए गए हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है वृद्ध, वृद्ध। अब हमें ये पता लगना चाहिए अगर हम वृद्ध का हमें क्या लिखना है। हमारे पास आया हुआ है कि हमें वृद्ध का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। और बच्चे जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम वृद्ध, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ये वृद्ध है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है या संख्या है, और ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तभी हम उसका वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख पाएंगे। तो देखिए ये वृद्ध जो है बच्चों संज्ञा है और पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग के आपने बेस धातु कौन से, बेस धातु नहीं सॉरी बेस शब्द रूप कौन से सीखे, बालक के। मैंने आपको बताया एक के, एक किसी शब्द के लेकर चलते हैं, उनसे सारे शब्दों को बनाते हैं। जैसे हमने सीखा है बालक, बालको, बालका, तो ये वृद्ध है, पुल्लिंग है, तो बन जाएगा वृद्ध, वृद्ध, वृद्धौ, वृद्धाः, ओके। ये हमारा क्या बना, ये हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना। ओके नेक्स्ट फल। अब फल भी देखिए संज्ञा है, लेकिन ये इसका वचन, इसका लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग है। तो अब हम नपुंसक लिंग के रूप चलाएंगे, हमने नपुंसक लिंग, फल ही हमारा बेस धातु है, तो एक वचन क्या आएगा, फलम, फले। आपने सीखा हुआ है बच्चों नपुंसक लिंग के रूप कैसे सीखे हुए हैं, फलम, फले, फलानी। ओके नेक्स्ट आ जाइए। अब वह, वह तो ये वह, और आपको मैं एक और ये बात बता दूं, वह जो है हिंदी शब्द है, अगर हम इसको बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा तत्, हम यहाँ तत् लिख देते हैं, संस्कृत का ही शब्द लिखते हैं आपके पास बच्चों, तत् ना। और तत् का नपुंसक लिंग, तत् का मतलब क्या होता है, वह। ये भी मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड भी लिख दे रही, क्योंकि बहुत बच्चों को हिंदी वर्ड नहीं आता है, हिंदी शब्द नहीं आता है, और हिंदी शब्द आपका है वह। ठीक है, अब वह को बोलते हैं तत्।
अब तक क्या है, सर्वनाम शब्द है ना, और सर्वनाम शब्द है और इसका हमें नपुंसक लिंग का एक वचन द्विवचन और साथ में हमें तत् का नपुंसक लिंग एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखना है ना। अब बच्चों एक बात बताइए, अब एक मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ, वो ये कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा कि इसका लिंग कौन सा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा इसका लिंग कौन सा है, यहाँ पर हमने लिखा है कि नपुंसक लिंग लिखो। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि तत् जो होता है पुल्लिंग में भी तत् होता है, अब हमें कैसे तत् पुल्लिंग का भी है, तत् स्त्रीलिंग भी है और तत् नपुंसक लिंग भी है, तो हम कैसे पहचानेंगे बच्चों कि हमें कौन सा लिंग लिखना है, तो इसलिए हमें लिंग यहाँ पे लिखा हुआ है नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग आपको पता है जो जो मूल शब्द होता है वही नपुंसक लिंग होता है, नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ तत् ते ताने, तत्ते ताने। अब यत, यत भी हमारा बच्चों क्या है, जो 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 है नपुंसक सॉरी सर्वनाम शब्द है और हमें इसका लिखना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का आपको पता है आ की मात्रा लगती है, यत का होगा या, ये या, जैसे बालिका बालिके बालिका, या ये या, है ना। आप देखिए नेक्स्ट आ जाइए, आप देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए, ते नपुंसक लिंग में द्विवचन भी ते है और स्त्रीलिंग में भी ये है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि दोनों का नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का और स्त्रीलिंग का द्विवचन जो होता है एक सब एक जैसा होता है। अब आ जाइए सर्व, सर्व भी हमारा सर्वनाम शब्द है, इसमें हमें नपुंसक लिखना है, नपुंसक लिंग में लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। अब नेक्स्ट आ जाइए त्रि, त्रि जो है हमारी ये संख्यावाचक है, ये त्रि जो है संख्यावाचक है। अब आपको इसका त्रि का, आप जब मैंने संख्याएं सिखाई थी तब मैंने बताया था एक एक वचन होता है, द्वि द्विवचन होता है और तीन से लेकर जितनी भी संख्याएं होती है वो बहुवचन में जाती है। तो हमें अब वचन नहीं लिखने हैं, जब वचन नहीं लिखने हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन ऊपर लिखा हुआ है पर हमें इसके वचन नहीं लिखने हैं, हमें इसके लिंग लिखने हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिंग लिखो, है ना। और अब लिंग लिंगम लिखा, लिंगम लिखा तो लिंगम लिखा, त्रि का क्या होगा, अब हमारा त्रि का होगा पुल्लिंग, है ना। त्रि का पहले क्या करेंगे हम, करेंगे ये यहाँ पे आएगा त्रयः, जब मैंने आपको संख्याएं सिखाई थी तो बताया था त्रयः, ये हमारा किस में बना, ये हमारा बच्चों बना पुल्लिंग, त्रयः और फिर त्रिशः, त्रिशः ये स्त्रीलिंग में और त्रय त्रिस्त्र और त्रिणी, ये हमारा बना नपुंसक लिंग में। हमारे पास ऊपर एक वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखे हैं पर हमें इनमें हम लिंग बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है और ये नपुंसक। अब एक है, एक का लिंग ही बताना है तो एका का क्या होगा, एका का होगा एका, आपको पता है विसर्ग आते हैं, ये हमारा बना पुल्लिंग। नेक्स्ट एका, ये बना स्त्रीलिंग, आपको पता है आ की मात्रा आती है तो स्त्रीलिंग, और ये इनमा आता है पीछे ये एकम, ये बना हमारा नपुंसक लिंग, राइट।
अब इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आया है पंच, है ना। पंच का भी लिंग बताना है, हमें पता है चार के चार तक हमारे अलग अलग होते हैं, पांच के बाद एक जैसे हो जाते हैं तीनों लिंग, है ना। तो पुल्लिंग में भी पंच आएगा, ये पुल्लिंग। नेक्स्ट स्त्रीलिंग में भी पंच आएगा, और ये स्त्रीलिंग। इसके बाद आपका नपुंसक लिंग में भी पंच आएगा। सिखाया था ना बच्चों आपको मैंने नपुंसक लिंग, सॉरी हाँ नपुंसक लिंग। नेक्स्ट अब आ जाइए भक्त। अब भक्त जो है हमारा, ये देखिए भक्त हमारा क्या है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है और संज्ञावाची शब्द है। और ये भक्त का बनेगा वही, अब भक्त, अब आपको एक वचन द्वि वचन बहुवचन बनाने हैं ना। तो ये जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग का एक वचन क्या बनेगा, पुल्लिंग का एक वचन बनेगा बच्चे हमारा भक्त, भक्त भक्ता। जैसे बालक बालकौ बालका। खग भी हमारा जो है संज्ञावाची शब्द है और खग भी पुल्लिंग है, तो बनेगा खग खगौ खगहा। नेक्स्ट आ जाइए वानर। वानर भी हमारा संज्ञावाची है और पुल्लिंग है, तो ये भी हमारा बनेगा वानरह वानरौ वानराहा। ये यहाँ पे वानरौ सही कर देते हैं। ये खगौ का आखिर ये मात्रा है, ये यहाँ पे वानरौ वानराहा, राइट। नेक्स्ट आ जाइए मीन है। मीन माना होता है वानर, माना होता है बंदर, मीन माना होता है मछली। बच्चे आपको सबको मीन मछली मतलब स्त्रीलिंग समझ आता है, पर बच्चे ये संस्कृत में स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना। तो हमारा आएगा मीनह मीनऊ मीनाहा, ओके। नेक्स्ट आ जाइए कदली फल। हमेशा देखिए कदली फल, अब हमेशा आखिरी वाले अक्षर को देखा जाता है, फल है, आखिरी वाले शब्द को देखा जाता है, फल है, और फल क्या है नपुंसक लिंग। तो आ जाएगा कब नपुंसक लिंग है, तो कदली, कदली माना होता है केला, केले का फल, कदली फलम कदली फलम कदली फले कदली फले कदली फलानी। कदली फलानी ये आपके देखिए एक वचन द्विवचन बहुवचन, और ये यहाँ पर हमने लिंग बता दिए संख्या में, ओके। नेक्स्ट आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, लिंग और वचन बताने हैं। यहाँ पे हमें इन शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमें लिंग भी बताना है और वचन भी बताने हैं। पत्राणी, देखिए आनी आनी किसमें था, फलम फले फलानी आनी आनी तो आनी। और अब ये क्या होगा, ये लिंग कौन सा जाएगा, हमारा ये लिंग जाएगा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वचन कौन सा है, बहुवचन, फलम फले फलानी बहुवचन,
ना मित्रे, मित्रे मित्रे में भी या मित्रे में क्या मित्रे एक ही मात्रा है, और मैंने आपको बहुत बार आ चुका है मित्र जो है नपुंसक लिंग है। एक बात बच्चों और मैं आपको बताऊं, कुछ थोड़ा सा हिंट आपको दे सकती हूँ जो दोनों के लिए पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए के योग में आ जाता है, उसे वो नपुंसक लिंग में चला जाता है। जैसे मित्र जो होता है मित्र जो होता है वो पुल्लिंग में भी मित्र, पुल्लिंग का भी मित्र होता है, वो स्त्रीलिंग का भी मित्र कहलाता है, इसलिए ये नपुंसक लिंग में जाता है। तो मित्रम अब ये हो जाएगा नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग और कौन सा वचन है मित्रे फलम फले, तो द्वे वचन मित्रम मित्रे तो द्वे वचन। नेक्स्ट आ जाइए नरहा, नर आहा बालकाहा, नर आहा नर नर माना होता है व्यक्ति आदमी है ना, तो ये हो जाएगा नर, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे हमारा पुल्लिंग और बहुवचन, बालका बालको बालका, नर है नरउ नरहा, तो ये हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन। अब देखिए मीना, मीना तो अभी मैंने आपको यहाँ सिखाया था मीना मीनो मीना, तो मीना क्या है पुल्लिंग और बहुवचन। नेक्स्ट आ जाइए महिला, महिला अपने आप में औरत को बोलते हैं, महिला स्त्रीलिंग है और पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, इसका मतलब बहुवचन है, तो ठीक हो ये हो गया, ये हो जाएगा बच्चों हमारा स्त्रीलिंग और बहुवचन। नेक्स्ट आ जाओ द्वौ, द्वौ नहीं सॉरी काकौ, काकौ का मतलब कौआ और कौआ जो होता है बालक बालक, अब यहीं से हमें पता चला है बालक बालको, यहीं से पता चला है कि पुल्लिंग और द्विवचन है, राइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुल्लिंग और द्विवचन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ये हो जाएगा द्विवचन। नेक्स्ट आ जाइए दो, दो औ से भी, इस दो से भी पता चला है कि ये जो है हमारा लिंग कौन सा है, ये लिंग हमारा कौन सा है नपुंसक सॉरी ये है द्वौ पुल्लिंग, द्वौ औ से पता चला ना ये पुल्लिंग है, तो जैसे एक कहा जैसे हमारा था द्वौ द्वे द्वे है ना, द्वौ जो है पुल्लिंग और द्विवचन। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे हमारे पास आता है गजह, गजह गजह जो है हमारा एक वचन है, गजह क्या है विसर्ग लगे हुए हैं, तो पुल्लिंग और एक वचन पुल्लिंग। आ रही है बात बच्चों समझ में, बहुत आसान है, अगर आपने पिछली क्लासेस को ध्यान से पढ़ लिया है समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आज दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पुल्लिंग और आपका बन जाएगा गजह जो है पुल्लिंग और द्विवचन सॉरी एक वचन। नेक्स्ट आ जाइए अश्व, अश्व अश्वाहा है, अश्व एक होता है पुल्लिंग और ये अश्वाहा है, तो अश्वाहा क्या बन जाएगा बहुवचन। नेक्स्ट आम्रम, मा मा आ रहा है ये पीछे, इसका मतलब है नपुंसक लिंग, आम्रम मतलब नपुंसक लिंग और एक वचन पलम है ना एक वचन। नेक्स्ट
चतवारी संख्या आ गई चार, है ना। और ये चतवारी चतवार है, चतवारो चतवार है, चतस्य और चतवारी, तो ये नपुंसक लिंग लिंग। और इसका वचन चार तीन के बाद बहुवचन होता है, तो ये बहुवचन। नेक्स्ट आ जाइए, बहु ये हो जाएगा वचन। नेक्स्ट आ जाइए सर्वे, सर्वे सर्वम सर्वे सर्वाणी, एक सर्वम सर्वे सर्वाणी, ये पुल्लिंग भी होता है और सर्वा सर्वे सर्वहा, ये हमारा पुल्लिंग भी है, सॉरी ये हमारा जो बनेगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग बनेगा, और नपुंसक लिंग दोनों बनेंगे, नपुंसक लिंग है ना, ये दोनों बनेंगे। और आपका स्त्रीलिंग का भी द्विवचन और नपुंसक लिंग का भी द्विवचन, बहुत बार सिखाया है मैंने बच्चों, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं सोचती हूँ, है ना, बिल्कुल आसान है आपके लिए। और भवती, इसी तरह से भवती भी दो जगह आता है ना, इस जगह दो जगह आता है, एक स्त्रीलिंग में आता है और भवती स्त्रीलिंग, और ये नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब जो स्त्रीलिंग में भवती आता है वो एक वचन में आता है, देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा, याद कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। मैं सोचती ये स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का एक वचन होता है भवती, ये स्त्रीलिंग का क्या होता है, ये एक वचन होता है, एक वचन, और ये भवती नपुंसक लिंग का द्विवचन होता है। नेक्स्ट एशा, एशा एशा स्त्रीलिंग है, एशा आ की मात्रा से पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग और एक वचन। इसके बाद किम, किम बच्चों ये भी किम के कानी, ये नपुंसक लिंग और नपुंसक लिंग और एक वचन। डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, हम इन डॉट को हटा दें क्योंकि डॉट से हम लोगों को और डॉट छिप जाते हैं, है ना। तो ये हमारा नपुंसक लिंग, ये भी नपुंसक लिंग किम और एक वचन, किम के कानी एक वचन। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बच्चे। अब आपको शब्द दिया हुआ है, जो शब्द दिए हुए हैं हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा के अंतर्गत आता है, कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है और कौन सा संख्यावाची शब्द के अंतर्गत आता है, है ना। ये किस किस के अंतर्गत आता है, आप जैसे वृक्ष है, वृक्ष शब्द किसके अंतर आता है, वृक्ष है संख्या के, संख्यावाची शब्द है ना, तो ये हो जाएगा वृक्ष। जिसके अंतर्गत आता जाएगा हम वहां लिखते जाएंगे। कौ, कौ क्या है, सर्वनाम है वेदो, तो ये सर्वनाम है तो यहाँ पे आ जाएगा कौ। नेक्स्ट आ जाइए पंच, ये संख्यावाची गिनती है तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये पंच, ओके। नेक्स्ट राम है, नाम है तो किसमें आएगा हमारा संख्या में, राम
नेक्स्ट है जी तानी, वे सब, तो सर्वनाम, तानी। नेक्स्ट आवाम, ये भी सर्वनाम है, हम दो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत, सर्वनाम के अंतर्गत आवाम। मैं जरा ये इसको करती हूँ, आवाम। नेक्स्ट मित्रम, मित्रम क्या है, मित्रम जो है ये मित्रम, मित्र जो है संख्या है, मित्र नाम है, संख्या है, व्यक्ति है, तो ये हो जाएगा, सॉरी संख्या नहीं संज्ञा है ना, तो मित्र किसमें आएगा, संज्ञा में, मित्रम। मित्रम। नेक्स्ट राधा, वो भी नाम है, राधा भी हमारा किसमें आएगा, राधा, संज्ञा में। दश, गिनती आ गई तो ये संख्यावाची हो जाएगा, ये हमारा किसमें जाएगा, ये दश। इसके बाद बालिका, स्त्रील, बालिका, ये है हमारा संख्या, सॉरी संज्ञा, संज्ञा, संख्या नहीं संज्ञा है ना, तो ये हमारा जाएगा बालिका यहाँ। बालिका, उपवनम भी स्थान है, बगीचा, तो उपवनम। नेक्स्ट है जी कहा, कहा जो है सर्वनाम, सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द है, तो वो जाएगा यहाँ पर, इमेज। ये दो, ये भी हमारा सर्वनाम है, इमेज। तो इस तरह से ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जिसमें मैंने पहले सबसे पहले क्या करवाया, आपको शब्दों के एकवचन, द्विवचन, बहुवचन निकाले, और इस तरह से फिर हम देखिए आपने क्या आपने सीखा हुआ, फिर से अब मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि पुल्लिंग होता है तो पुल्लिंग का हम किस तरह से करते हैं, बालका, बालको, बालका। स्त्रीलिंग का होता है तो बालिके, बालिके, सॉरी बालिका, बालिके, बालिका। और नपुंसक लिंग होता है तो फलम, फले, फलानी। और ये अगर संख्याएं आती हैं तो हमें संख्याओं में लिंग ना, वो वचन न लिख करके हमने लिंग लिखा है, क्यों, क्योंकि संख्याओं में हमें पता है एक एक वचन ही है, दो द्विवचन ही है, तीन से लेकर दस तक बहुवचन है, तो उसका हमें औचित्य नहीं बैठता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके लिंग लिखे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया लिंग और वचन लिखने के लिए, ये शब्द दिए थे मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से होते हैं, और इसके बाद फिर शब्द दिए हुए थे जिसमें हमें छांटना था कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा संख्यावाची शब्द है। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको इन तीनों की, कौन से तीन टॉपिक की, ये संज्ञा, सर्वनाम और संख्या के वचन प्रयोग करने बताए, और किस तरह से वचनों को प्रयोग करना, लिंग किस तरह से लगाए जाते हैं वो बताया, उसका अभ्यास कार्य करवाया। तो मैं सोचती हूँ इसके करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई आपके डाउट्स या कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके हर एक पॉइंट का रेस्पेक्ट करती हूँ, और कोई जो फोन आता है मैं उन्हें उसके डाउट्स क्लियर करती हूँ, और अगर आप कोई मैसेज देते तो भी मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपने मुझे कॉल करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और क्लास, नेक्स्ट क्लास लेकर आपके पास मैं बहुत जल्दी आऊंगी, और क्लास फिनिश करने से पहले आपको वही शब्दों को दोहरा रही हूँ कि बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, और नियर डियर और अपने जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी संस्कृत को आसानी से सीख सके,
और इसका लाभ उठा सके। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेकर मैं बहुत जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू।